हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शोभम फोगाट और हमने अपने पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेक्चर में फोरेंसिक अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ही अपने टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में मॉडल्स जो है उसके कि किस तरह से उनके मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किस तरह से उनकी अकाउंटिंग करनी थी, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के द्वारा कैसे कैसे की गई। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये मॉडल्स होते क्या है या मेथड क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करने के। द बेनिफिट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आर न्यूमरस एंड ऑनगोइंग। डिफरेंट मेथड आर यूज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर वैल्यूइंग ह्यूमन रिसोर्स। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट को वैल्यू करने के लिए कि उनको किस तरह से कैपिटलाइज किया जाए, उनसे जो बेनिफिट है उसकी किस तरह से वैल्यूएशन की जाएगी। द वेरियस मेथड मॉडल्स ऑफ एचआर आर शोन इन फिगर नंबर 1। ये हमारे पास फिगर है और ये हमारे जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर दी गए हैं। तो दो तरह के प्राइमरी मेथड्स हैं उनके अंदर जो है, बाकी के मेथड्स को सब डिवाइड किया गया है। दो जो प्राइमरी है वो है मॉनेटरी मेथड्स, यानी कि पैसे के वैल्यू में या एक मॉनेटरी टर्म्स में किस तरह से वैल्यू किया जाएगा, और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी मेथड। तो इनको जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉनेटरी मेथड का आता है, वो आता है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, यानी कि कॉस्ट के फैक्टर पे, यानी कि जो कॉस्ट आ रही है उनकी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उनके तौर पर जो है मॉनेटरी तरीके ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह वैल्यू किया जाएगा, तो वो हम पढ़ेंगे कॉस्ट बेस्ड अप्रोचेस में। फिर उसके बाद वैल्यू बेस्ड अप्रोचेस आती हैं कि जो वैल्यू प्रोड्यूस की जा रही है, जो वैल्यू एडिशंस की जा रही हैं, वो जो ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा वो किस तरह से हम कॉस्ट में उसको किस तरह से जो है वैल्यू करेंगे, उसके बेसिस पे किस तरह से वैल्यू करेंगे। तो उसके अंदर इन लोगों ने जो है हमें बहुत सारे मॉडल्स हैं ये सब प्रोवाइड किए गए थे। उसके बाद नॉन मॉनेटरी मेथड है कि भाई पैसे के टर्म्स में अगर ना वैल्यू करना हो तो किस तरह वैल्यू करेंगे, तो वो हमें लिकर्ट्स मॉडल के द्वारा पता चल जाता है। तो आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। कॉस्ट बेस्ड मेथड्स को जो है पढ़ेंगे, यानी कि कॉस्ट के बेसिस पे, यानी कि पैसे के बेसिस पर किस तरह से वैल्यू किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जिस कॉस्ट पर आप कोई चीज परचेज करते हैं, हायर करते हैं, वो चीज हमारी आ जाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय विलियम सी पाइल एंड अदर्स इन 1967। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ह्यूमन रिसोर्स, वेदर इट इज पर्टेनिंग टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स को जो है रिक्रूट करती है, यानी कि उनको जाके सेलेक्ट करती है कि हमारे, मान लीजिए अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत है, अलग अलग स्किल्स की जरूरत है, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ जाता है। वो कैंपसेज में जाते हैं, वो अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, वो कॉल डायरेक्ट कॉल के थ्रू इंटरव्यू, इस तरह से जो है अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनका उनके ऊपर जो है इनिशियली जो उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाती है उनको सेलेक्ट करने के लिए, उन बंदों को, उन सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक लाने के लिए और उनसे फिर आगे काम निकलवाने के लिए, वो सारी जो कॉस्ट है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से की जाती है। तो ये कहने का मतलब है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए गूगल है, आईआईटी में जाके कैंपस प्लेसमेंट करती है, कुछ बंदे चूज करके लेके आती है। तो देखिए गूगल की जब जो टीम वहां पर होती है, मौजूद होती है, जो रिक्रूटमेंट टीम होती है, वो टीम में जरूरी नहीं सारे गूगल के ही आदमी हो, बहुत बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो जिनके लिए ये काम, जिनको ये काम आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो गूगल का वहां पर एक या दो बंदा होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर टीम 5 या 6 या 10 जनों की है तो उसके अंदर से एक या दो या तीन बंदे ज्यादा से ज्यादा गूगल के होंगे, बाकी जो होंगे वो एक आउटसाइडर रिक्रूटमेंट एजेंसी के होंगे। वो बंदे जो है उनको फी पे करनी पड़ती है, उनके रहने खाने का जो है प्रबंध करना पड़ता है, जो कैंपस की फीस है वो पे करनी पड़ती है, और इस तरह से जो सब्सक्रिप्शन है लेनी पड़ती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर जब वो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका जो पेपर वर्क है वो सारा जो है उसकी कॉस्ट हो गई, उनको एक्विंट कराने के लिए जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी कॉस्ट हो गई, उनको जो अगर मान लीजिए उनको लैपटॉप प्रोवाइड किया जा रहा है इनिशियली, उनको एक बैज प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो सारी जो है मोबाइल फोन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस तरह की जो सारी इनिशियल स्टेज पर कॉस्ट अगर करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाती है। कि पहले ही स्टेप पर जो कॉस्ट की जा रही है उन बंदों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को से जोड़ने के लिए, उन बंदों को अपने एम्प्लॉइज बनाने के लिए, वो सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाती है। सच कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड एंड रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ सर्विस एंटीसिपेटेड टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉई। तो बिल्कुल वही चीज है, इस कॉस्ट को जो है वो कैपिटलाइज कर दिया जाता है, वो अपनी जो है उसके बाद एक बार जब वो कैपिटलाइज हो जाती है तो ये डिपेंड करता है वो एम्प्लॉई आगे आने वाले कितने साल में। सिमिलरली देखिए, एक एम्प्लॉई एक कंपनी के लिए एसेट माना जाता है, तो एसेट एम्प्लॉई हमने जब लिया, अगर मान लीजिए मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ, एम्प्लॉई हमने लिया उसकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हो गई, हमने एक एसेट खरीदा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हो गई, फिर जो उन दोनों पर जो खर्चा किया गया है वो एसेट का मान लीजिए डेप्रिसिएशन के थ्रू हर साल जो है रिड्यूस कर दिया जाता है, वैसे ही एम्प्लॉई का खर्चा है वो भी कैपिटलाइज करके हर साल इस तरह से राइट ऑफ कर दिया जाता है जब तक वो काम करता है। And as shown in the balance sheet as an asset and a proportion of it is written off every year from profit and loss account. बिल्कुल वही चीज जो है
वो सिमिलरली आपका जैसे एक फिक्स एसेट है उसी की तरह इसको आप लेकर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी किसी चीज को बदलने की जो कॉस्ट आती है वो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड वॉज रिकमेंडेड बाय लिकर्ट एंड इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय फ्लैम होल्ड्स। अनलाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच दिस मेथड फोकसेज ऑन द कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू रिप्लेस द प्रेजेंट एम्प्लॉय बाय अ न्यू वन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम उस बंदे के कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते थे जो बंदा हमने एक्वायर किया है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हम उस बंदे को उस वैल्यू पर जो है उस बंदे को उस पर रिकॉर्ड करेंगे या उस बंदे पर जो कॉस्ट है वो उस हिसाब से एलोकेट करेंगे कि अगर ये बंदा कल को हमारी फर्म से चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से चला जाता है, तो नया बंदा लाने में कितना पैसा जो है हमारा खर्च होगा, वो जो पैसा खर्च होगा वो इसके ऊपर जो है आप एलोकेट करो और उसके हिसाब से जो है इसकी अकाउंटिंग होगी, उसके हिसाब से जो है ये राइट ऑफ किया जाएगा। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मान लीजिए आपको दो कंपनीज हैं जो जॉब ऑफर कर रही हैं, एक कंपनी आपको जो है 40,000 दे रही है और दूसरी कंपनी आपको 50,000 दे रही है। तो मान लीजिए आप 50,000 जो है वाली नौकरी जो है चूज कर लेते हैं, तो 40,000 जो है जो आपने जो चीज जो आपको नौकरी मिल रही थी वो आपने मिस कर दी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। और अगर सिमिलरली आप 40,000 वाली नौकरी लेकर 50,000 वाली रिजेक्ट कर देते हैं, तो 50,000 वाली नौकरी है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, यानी कि वो कॉस्ट वो फैक्टर जो आप मिस कर रहे हैं किसी और फैक्टर को लेकर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कीमियन एंड जोन्स। दिस मेथड इंक्लूड ओनली स्कार्स एम्प्लॉयज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो है ह्यूमन रिसोर्स के जो स्कार्स एम्प्लॉय है उन्हीं को इन्वॉल्व करता है। इफ एनी पर्सन इज अपॉइंटेड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेम वुड बी निल। तो बिना किसी बार्गेन की अगर किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, मान लीजिए आप है, आप किसी एक ही कंपनी में अप्लाई करते हैं और उसी कंपनी से आपको एक ऑफर आ जाता है कि भाई 40,000 रुपए में तुमको जो है एक एनालिस्ट हम ले रहे हैं अपनी कंपनी में, तो बताइए ज्वाइन करना है नहीं, और आप उसको रिजेक्ट सॉरी आप उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, तो वो जो है वहां पर एक ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके पास एक ही नौकरी थी, आपके पास एक ही कंपनी थी, उन्होंने एक ही ऑफर आपके पास प्लेस किया, तो आप उसको जाकर चुपचाप एक्सेप्ट कर देंगे। इट इज फाउंड बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेटिव बिडिंग, दस इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटेटिव बिडिंग मेथड ऑफ वैल्यूइंग। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि कॉम्पिटेटिव बिडिंग किसको बोलते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड को ही बोलते हैं। कि बिडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है जैसे आपने कभी देखा होगा जब ऑक्शंस वगैरह की जाते हैं तो वहां पर बिडिंग्स की जाती हैं कि मान लीजिए मुझे कोई चीज बेचनी है, मान लीजिए मुझे ये मोबाइल बेचना है और मैं कहूंगा इसकी इनिशियल कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी वो 1,000 रुपए थी, तो अब 1,100 से जो है मैं इसकी बिडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जो लोग हैं खरीदने वाले वो 1,100 1,200 1,300 1,400 और फिर जो मुझे बेस्ट वैल्यू देता हुआ नजर आएगा वो उसको मैं ये फोन बेच दूंगा। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि कॉम्पिटेटिव बिडिंग की जाती है, जो बेस्ट आपको ऑफर दे रहा है आप उसमें जाइए, आप उसमें अप्लाई कीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और बाकी जो ऑफर्स हैं उनको आप रिजेक्ट कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पर है। तो जो बाकी ऑफर्स आपने सारे रिजेक्ट कर दिए, चाहे एक हो चाहे 10 हो कितने भी हो, वो सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज वर्किंग इन एक्स वाई जेड लिमिटेड विद अ सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ एंड अनदर कंपनी पी क्यू आर लिमिटेड इज ऑफरिंग हिम 50,000, दिस 50,000 वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मिस्टर ए। तो वो 35,000 में काम कर रहे हैं, उनको ऑफर 50,000 का भी है, तो अगर वो 50,000 को ना चूज करके 35,000 रुपए स्टक करेंगे तो वही चीज जो है उनकी जो 50,000 रुपए है वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। डेविड वॉटसन वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस मेथड। तो डेविड वॉटसन जी ने जो है ये मेथड दिया था हमको। एम्प्लॉइज आर बाइफरकेटेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर देयर पोजिशन इन दी हायरार्की ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो जो उनका लेवल है काम करने का, मान लीजिए एक लेबर है, मान लीजिए एक मैनेजर है, मान लीजिए एक सुपरवाइजर है, मान लीजिए एक एनालिस्ट है, मान लीजिए एक एसोसिएट है, तो उस हिसाब से जो है बाइफरकेट किए जाते हैं एम्प्लॉइज अपने ऑर्गेनाइजेशन के। द वर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज कैलकुलेटेड बाय फिक्सिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच कैटेगरी। तो हर कैटेगरी में मान लीजिए मैं एनालिस्ट एसोसिएट मैनेजर्स वीपी इस तरह से जो है कैटेगरीज डिवाइड कर देता हूं, तो हर कैटेगरी का मैं एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दूंगा कि भाई इस कैटेगरी में इतनी कॉस्ट इनकर होगी, इस कैटेगरी में इतनी कॉस्ट इनकर होगी, इस कैटेगरी में इतनी कॉस्ट इनकर होगी, और उस कॉस्ट के बेसिस पर मैं फिर इंडिविजुअल जो एम्प्लॉइज है उनकी अकाउंटिंग कर डालूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कम्पेयर विद द एक्चुअल रिजल्ट टू नो द वेरियंस सो दैट नेसेसरी एक्शन कैन बी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जहां पर बात आ जाती है वहां पर एक्चुअल और बजटेड के बीच में जो है स्टैंडर्ड्स या एक्चुअल के बीच में जो है डिफरेंस क्रिएट करने की बात आ जाती है और वेरिएंस को स्टडी किया जाता है ताकि उन वेरिएंस को जो है हटाया जा सके। उसके बाद आता है वैल्यू बेस्ड मेथड ऑफ एचआर, यानी कि यहाँ पर जो है वैल्यू एडिशन किस तरह से की जा रही है, एम्प्लॉयज जो है वो हमारी फर्म को क्या फायदा प्रोवाइड कर पा रहे हैं उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है हरमेंसन मॉडल। तो ये डेवलप किया था हरमेंसन आर एच हरमेंसन जी ने। आउटलाइन टू टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो दो तरीके जो है, दो टेक्निक्स जो है इन्होंने बताई थी। तो सबसे पहली जो है वो है एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेज मॉडल। तो ये नाम है उसका पहली टेक्निक का, एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेज मॉडल।
दिस मॉडल टेक्स इन टू कंसिडरेशन द सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एमिट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंटरप्राइज एंड द सैलरी पेड टू देम फॉर देयर सर्विस। तो वही बात हो गई कि एक एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो कितने का बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है और वो प्रोपोर्शनेट कितना है उसकी सैलरी जो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बार पहले समझाया था कि अगर एक कंपनी है आपको मान लीजिए 10 लाख 15 लाख का पर एनम का पैकेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके पैकेज से जो है मल्टीफोल्ड होते हैं। यानी कि आप कंपनी में अगर 15 लाख रुपए की कॉस्ट इनकर करवा रहे हैं तो आप कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ उस तरह से जो है करके देंगे। यानी कि आप जो है आपको जो कॉस्ट मिल रहा है आपके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है आपके ऊपर जो आपको एक एसेट समझ कर आपके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट की जा रही है 15 लाख की, तो वो आप जो है किस तरह से फ्रूटफुल साबित होंगे। आप कंपनी के अंदर जो है अपने स्किल्स को लेकर अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर क्या वैल्यू एड करेंगे या प्रॉफिटेबिलिटी आप इंक्रीज करेंगे उसके हिसाब से जो है आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी। द नंबर ऑफ स्टेप फॉलोड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेज मॉडल है तो उसी के हम स्टेप्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। द एस्टिमेशन अबाउट सैलरीज ऑफ द स्टाफ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो 5 साल के लिए जो है एक एस्टिमेट लगाया जाता है। डिस्काउंट फैक्टर इज अलाउड, हर साल कितने रेट पर डिस्काउंट किया जाएगा वो अप्लाई किया जाता है। एफिशिएंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर कि वो कितना एफिशिएंटली अपना जो है काम कर पाएगा वो फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। बाय यूजिंग डिस्काउंट फैक्टर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेजेस इज डिटरमाइंड, तो प्रेजेंट तो हर साल जो डिस्काउंट किया जाएगा उसके बेसिस पर जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलरी आपकी सैलरी कितनी होगी वो डिसाइड की जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सर्विस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पीवी ऑफ वेजी, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेजी सैलरी मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी रेशियो, यानी कि आपको सैलरी कितनी दी जा रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड कर देंगे कि आप उससे कितनी एफिशिएंसी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी पोटेंशियल सर्विस की। वही चीज उसके बाद आता है अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल की, ये अनपरचेज जो गुडविल मॉडल है ये अपना दूसरा मॉडल है। इसके अंदर जो है हमें ये बताना पड़ता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू का है या प्रेजेंट जो एग्जिस्टेंस है वैल्यू है हमारे अनओन्ड रिसोर्सेज की वो है हमारी फर्म हायर देन नॉर्मल रेट ऑफ इनकम फॉर द मोस्ट रिसेंट ईयर, जो हमने सबसे रिसेंट ईयर में जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया था वही हमारी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है अनओन्ड रिसोर्सेज की। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, आइए इसका एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ARR ऑन टेंजिबल एसेट इज एक्स वाई जेड इंडस्ट्री 15% फॉर द लास्ट 5 ईयर, तो जो है रेट ऑफ रिटर्न है जो यहाँ पर है वो 15% है पिछले 5 सालों में। ABC Limited earns 18% on its tangible asset, यानी कि जो tangible assets है, यानी कि जो 40 लाख के हैं उसके ऊपर जो है 18% का जो है अर्निंग हमको हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो यानी कि प्रॉफिट जो है वो टेंजिबल पर है, रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारा 18%, तो यानी कि 7,20,000 जो है हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। कैपिटल बेस रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री, तो जो हमारा ये दिया गया है हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 15% वो जो है हम निकाल कर आ जाएंगे, तो हमारा जो 48 लाख रुपए जो है, देखिए हमारा जो प्रॉफिट था टेंजिबल एसेट थे वो जो है 40 लाख थे, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी 15% रिटर्न कमाने के लिए हमको 48 लाख की जो है कैपिटल बेस होना चाहिए था, तो हमारे पास जो अनअर्न्ड ओन एसेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8 लाख के, यानी कि हमारे पास 40 है चाहिए थे 48, जो डिफरेंस बन जाता है वो यानी कि 8 लाख का हो जाता है, वो हमारे अनओन्ड रिसोर्सेज है यानी कि जो इंटेंजिबल है कंप्यूट द इंटेंजिबल एसेट वो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो उस तरह से ये मॉडल था। उसके बाद आता है लिव श्वार्ट्ज मॉडल या प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है फ्यूचर अर्निंग की। मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय लिव एंड श्वार्ट्ज एंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अंडर दिस मेथड द इनकम विच इज अर्नड बाय एन इंडिविजुअल employee till he leave the organization is aggregated and same is discounted to find out the present value. ये similar है ये अपने इस वाले मॉडल के हरमेंसन मॉडल के, तो वही चीज है। इसके अंदर आपका जो है employees are sorted into different categories based on age and skills. Average annual income of every group is determined. The total compensation up to the age of retirement is calculated. Total remuneration will be calculated at discount rate. और ये जो है formula हम लगा देंगे। तो इसके अंदर जो है value of human resource जो है यहाँ पर determine की जाएगी, calculate की जाएगी, और ये है उसकी उम्र कितनी है, और जो है sigma IT यानी कि the employees annual earning up to the age of रिटायरमेंट की, वो रिटायरमेंट तक जो है कितनी इनकम हमारी फर्म में अगर रहेगा तो वो कमा पाएगा, 1+R जो है उसकी पावर जो है T-R कर देंगे। तो इस तरह से है डिस्काउंट रेट रिटायरमेंट एज, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद जो है प्लैम होल्ड्स मॉडल आ जाता है, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू मॉडल की, उस बंदे की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट किया जाएगा। द मॉडल कंसिडर द प्रोस्पेक्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच ओवर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इन हिज जॉब एंड इंक्लूडिंग हिज बिफोर हैंड गोइंग अवे
फ्रॉम द कॉर्पोरेशन यानी डेथ और रिटायरमेंट। तो उससे पहले जो है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होने वाला है उससे, या इकोनॉमिक फैक्टर कितना है उस इंसान का अगर वो हमारी फर्म में काम करता है और हमारी फर्म में ही जो है एक रोल से दूसरे रोल पर स्विच करता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट की जाएंगी। उसके बाद आता है ऑर्गन्स मॉडल या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। तो इसके अंदर जो है हर एम्प्लॉय से कंपनी को कितना नेट बेनिफिट होने वाला है वो कैलकुलेट किया जाता है। सर्टेनिटी किस चीज इस बात की कितनी है कि उससे बेनिफिट होगा वो कैलकुलेट किया जाता है, और उसको जो है आपस के अंदर जो है फैक्टर करके वो चीज जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नेट बेनिफिट जो है इस बंदे से हमारे कितना आने वाला है। तो एफिशिएंसी इंडेक्स, स्टैंडर्ड वर्क इंडेक्स, ये सारे जो है हमको एक वो बताया गया है कि किस तरह जो है इस मॉडल के अनुसार हम एक एम्प्लॉय की जो है कॉस्ट को या ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग है वो कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है जैगीज एंड लाउज मॉडल। द मॉडल इज बेस्ड अपॉन वैल्यूएशन ऑफ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एम्प्लॉयज रादर देन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। तो इसको जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को ना कंसीडर करके कि ए है, बी है, सी है, एक होमोजेनिटी बना दी जाती है कि एक तरह के एम्प्लॉयज किधर कितने सारे हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है सैमसंग है, वो होमोजेनिटी किस हिसाब से कर सकता है कि मेरे जो फर्म है मान लीजिए उसके अंदर 1 लाख एम्प्लॉयज है टोटल ऑल ओवर द ग्लोब, तो उसके अंदर से इंडियंस कितने हैं, यूएस सिटीजन कितने हैं, यूएस एम्प्लॉयज कितने हैं, यूके कितने हैं, चाइनीज कितने हैं, इस तरह से जो है होमोजेनिटी के बेसिस पर जो है वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डिवाइड कर देता है, और उसके हिसाब से जो है फिर अलग अलग जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मॉडल लगा सकता है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद आता है मोर्स नेट बेनिफिट रेट। फिर से नेट बेनिफिट की बात आ गई कि एक एम्प्लॉय से जो है वो किस हिसाब का जो है प्रॉफिट हमको रिसीव किया जा सकता है। तो उस तरह से नेट प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम फ्यूचर सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज आर कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मोर और लेस वही चीजें हैं कि भाई एक एम्प्लॉय से हमको कितना फायदा हो रहा है, वो चाहे मोनिटरी टर्म्स में हो चाहे वैल्यू एडिशन के टर्म्स में हो, वैल्यू एड करेगा तो भी अल्टीमेटली जो है फायदा मोनिटरी टर्म्स में ही होगा। उसके बाद आता है गिल्स एंड रॉबिन्सन ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल। तो उसका जो फॉर्मूला है यानी कि ये है सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय और ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और उसको सैलरी कितनी दी जा रही है, वो जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद आता है एसके चक्रवर्ती मॉडल या एग्रीगेट एवरेज पेमेंट मॉडल, यानी कि जो एवरेज पेमेंट्स हैं उनका कितना एग्रीगेट है उसके हिसाब से जो है हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करेंगे। टू डिराइव द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एचआर एवरेज फ्यूचर टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एवरेज फ्यूचर सैलरी शुड बी डिस्काउंटेड एट एन अप्रोप्रिएट रेट। तो अब तक जो हमने मॉडल्स देखे हैं उसके अंदर दो ही चीज की जा रही है, या तो आप डिस्काउंटेड रेट निकाल लीजिए उसको एसेट कंसिडर करके उसके अंदर हर साल जो है एक सर्टेन रेट जो है डेप्रिसिएशन की तरह वो राइट ऑफ करते रहिए और उसके हिसाब से आप अपने ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, या दूसरा जो है वो मॉडल ये है कि उससे कितना आने वाले टाइम में हमको बेनिफिट होने वाला है तो वो फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पर उसकी आज वैल्यू कर लीजिए। तो दो ही तरीके हैं जो बार बार जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से रिफ्रेस करके दिए हुए हैं, मोर और लेस चीजें जो आपकी सेम रहेंगी। उसके बाद इस तरह का जो है इन्होंने फॉर्मूला दिया था, ये आपको टेक्निकली जो है इन चीजों में जो है ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली जो है ऊपरी तौर से अगर आप 4-5 मॉडल्स जो है इनके अच्छे से याद कर लेंगे और उनको जो है थोड़ा अपने भाषा में रीफ्रेस कर पाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा अच्छा रखते हुए, तो आपके एग्जाम में जो है आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, वो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आते हैं दास गुप्ता मॉडल ऑफ टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि एक एम्प्लॉय पर टोटल कॉस्ट कितनी लगाई जा रही है और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके बेसिस पे किस तरह जो है आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करेंगे। दिस मॉडल इंक्लूड द एंटायर वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री वेदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड कंप्यूटिंग फॉर टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये बहुत वेग था तरीका है, पूरे भारतवर्ष में अगर मैं बात करें एक एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों ही कैटेगरी में मैं ले लूँ और उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करूँ कि एम्प्लॉयड जो है उनको उनके ऊपर कितना खर्चा किया गया और अनएम्प्लॉयड जो है उनके ऊपर कितना खर्चा किया, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयड कहीं ना कहीं जो है वो कंपनी के लिए कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करके दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, वो एक्सपेंसिस कर रहे हैं, लेकिन वो जो है किसी तरह की रिटर्न जो है जनरेट करके नहीं दे रहे। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयड पर्सनैलिटीज हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो टैक्स पे कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर जो है अपना खर्चा कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा कर रहे हैं, तो उस तरह की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड पर जो कॉस्ट इनकर की जाती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है इंस्टेड ऑफ अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है हमारी, और जो है इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो है उसका आजकल काफी ज्यादा पंगा खड़ा हो चुका है, क्योंकि वो जो है मेजोरिटी में 70% के अराउंड हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है आजकल, या उससे ज्यादा भी हो सकता है फिलहाल। तो वो चीजें जो है आजकल इंडिया के लिए जो है काफी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। नॉन मॉनेटरी मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो उस तरह से है। उसके बाद आता है एचआरए इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या सिनेरियो है वो अब डिस्कस करते हैं। इन इंडिया द कंपनीज एक्ट 2013 इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा ले करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस कि भाई किस तरह से जो अकाउंटिंग करनी है, किस तरह से नहीं करनी, क्या चीज लीगली आपको बाइंड करती है कुछ चीज करने के लिए, कौन सी चीज ऑब्लिगेटरी है, कौन सी चीज नहीं है, वो जो चीजें हैं उसके अंदर हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स के ट्रीटमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। In other word, it is not mandatory for any organization to report its human resources in the books of account thereby.
तो इंडिया में जो है वो एक फ्री कल्चर है ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, आपने करना है कीजिए, बुक्स में नहीं करना मत कीजिए, कोई मैंडेट नहीं है कंपनी एक्ट 2013 के जो है उसके हिसाब से। और इसके अंदर जो है देखिए, ये मैं कहूँगा एक अमेंडमेंट चाहिए इसको लेकर, हमें ये चीज HRA जो है वो इंडिया में अप्लाई करनी चाहिए, और ये नहीं है, और इस बात का जो है थोड़ा दिक्कत जो है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को फेस करनी पड़ जाती है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दे लिमिटेड देयर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड वेरियस स्टेक होल्डर्स, हाउएवर ड्यू टू चेंज इन प्रेजेंट बिजनेस सम कंपनीज इंडिया हैव टेकन सो मोटो इनिशिएटिव टू ट्रीट ह्यूमन रिसोर्सेज एज एन एसेट। तो वही चीजें हैं यहाँ पर की जाती हैं। तो ये कुछ है जिन्होंने जो है अपना ल्यू श्वार्ट्ज मॉडल को यूज किया था, बेल ONGC से जो हमारे PSUs हैं ये वही उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आते हैं इशू एंड प्रॉब्लम्स इन HRA। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, HRA क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज हमने जो है उसके मॉडल्स डिस्कस कर लिए कि किस हिसाब से जो है अलग अलग मॉडल है, मॉनेटरी टर्म्स में करना है तो कैसे करना है, और नॉन मॉनेटरी में करना है तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, वो चीजें आज हमने डिस्कस कर ली। अब पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड इशूज क्या है मार्केट में, इससे जो प्रॉब्लम्स हैं HRA में क्या क्या है, और जिनको सॉर्ट आउट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अनइक्विवोकली HRA is beneficial for every organization in numerous way, but still it has not gained much importance like other branches of accounting because it may not be able to produce instant results for the organization. तो बिल्कुल सही बात है। देखिए आप अपने intangible, देखिए goodwill जो होता है आपका, तो आप उसको books में अपना जो है capitalize कीजिए, लेकिन goodwill से जो है आपको immediate returns नहीं मिलती हैं। आप समझ रहे हैं बात को, आपकी फर्म की इमेज अच्छी है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इमेज रियलाइज होती है। एक ही बारी में यूं नहीं होता कि भाई एप्पल कंपनी आज बन गई है तो कल से उसकी जो सेल्स है वो एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करनी पड़ती है, और जैसे जैसे आपकी गुडविल बढ़ती जाती है उसके प्रोपोर्शनेटली ही आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। सिमिलरली आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी इंटेंजिबल एसेट्स ही है, तो उनका भी जो रिटर्न है वो आप इमीडिएटली रियलाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी जो वर्कफोर्स है वो आज दिन रात काम कर रही है, तो हो सकता है आपका एक साल का एक्युमुलेटेड जो रिजल्ट है वो काफी पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप एक पर्टिकुलर डे की बात करें कि आज मेरे एम्प्लॉयज ने क्या प्रोडक्टिविटी निकाल के दी है, तो वो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इमीडिएट रिटर्न्स जो है, इमीडिएट प्रोडक्टिविटी जो है उनकी रियलाइज नहीं कर सकते हो आप। आज किसी बंदे ने जो है आप कितना काम करके दिखाया और उससे आने वाले टाइम में आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो आप जो है कॉस्ट बेसिस पर तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट होगा या नहीं होगा एक सर्टेनिटी के साथ आप नहीं कह सकते हैं। वही चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है। लैक ऑफ रूल्स हैं एक्ट और गाइडलाइंस हैं, जैसे अभी देखा ही हमने इंडिया में तो ये मैंडेटरी नहीं है कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनीज एक्ट के अंदर इसके अंदर कोई जिक्र किया ही नहीं गया है, तो कोई रूल और गाइडलाइंस नहीं है, तो कोई कंपनी जो है किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते उन चीजों को लेकर। द फेज फॉर विच ह्यूमन रिसोर्सेज दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिफाइंड एंड हेंस वैल्यूइंग देम अंडर एम्बिग्युटी इन फ्यूचर सीम्स टू बी इम्प्रैक्टिकल। तो देर इज ऑलवेज अ टेरर दैट HRA में मैन्यूवर एम्प्लॉयज एज अ फ्यू एम्प्लॉयज हैविंग लो वैल्यू में फील डिसहार्टेड व्हिच इटसेल्फ विल अफेक्ट इट्स एफिशिएंसी। तो वही चीजें हैं, आपका जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है इन चीजों में। द टैक्स लॉज डू नॉट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटीज ऑफ ट्रेडिंग। देखिए डेप्रिसिएशन तो है जो आपका, वो एक टैक्स सेवर है, आप डेप्रिसिएशन लीजिए, आप उसके अंदर जो है टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप एसेट दिखाएंगे और उसको राइट ऑफ करेंगे तो जो राइट ऑफ की वैल्यू है आप हर साल कर रहे हैं, तो उसका जो है टैक्स का कोई बेनिफिट कहीं पर भी नहीं मिलता, आप करें ना करें जो आपको टैक्स में कोई जो है बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देर इज नो जनरली कस्टमरी वे टू वैल्यू ह्यूमन एसेट, तो कोई इस तरह की वे नहीं है। आपने जो ऊपर डिस्कस करे मेथड मॉडल जो है वो है जरूर, लेकिन उनसे जो है एक सर्टेनिटी के साथ आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। आज एक इंसान का मूड अच्छा है, उसने बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे दी है, कल वो अपने घर से लड़के आया वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है बनी रहती है। लेकिन मैथमेटिकली इन चीजों को रिप्रेजेंट करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। मूड को जो है मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आज वो अच्छे मूड में, आज वो अच्छा काम कर देगा, कल वो बुरे मूड में तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, परसों वो छोड़ के ही भाग जाएगा। इन चीजों को जो है मैथमेटिकली अकाउंटिंग वे में जो है थोड़ा करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है साइकोलॉजी की बात आ जाती है, और साइकोलॉजी को आप जब मैथमेटिकली इंटरप्रेट करने के लिए, अरिथमेटिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है काफी सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। दिस कॉन्सेप्ट इज एट डेवलपमेंटल फेज, तो इसमें जो है कॉन्स्टेंट रिसर्चेज चलती रहती हैं कि HRA को किस तरह वैल्यू किया जाए है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि HRA एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आप ह्यूमन माइंड से रिलेटेड या ह्यूमन साइकिक से रिलेटेड बातें करते हैं, तो जब तक इसके अंदर साइकोलॉजिकल आप एस्पेक्ट्स को ह्यूमन के नहीं समझ लेते तो वो चीजें थोड़ी वैल्यू करना मुश्किल हो जाती हैं। और अपनी साइकोलॉजी जो फील्ड है ह्यूमन माइंड को समझना, वो अपने आप में जो है इस यूनिवर्स का कंसिडर किया जाता है सबसे मुश्किल टास्क है, कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ पाएगा भी नहीं। तो वही चीजें हैं, जब एक फील्ड है
जो अंडरलाइन फील्ड है साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, तो वही अगर अंडर डेवलप्ड है तो उसके ऊपर बेस किया गया, उसको फाउंडेशन मानकर कोई चीज उसके ऊपर अगर बिल्ड की जा रही है तो वो कैसे डेवलप्ड हो सकती है, वही चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाती है। एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग अब आते हैं, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग पर जो एनवायरमेंट है ये हमारे आसपास का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो है आसपास के एनवायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट करती है। आप देखेंगे आपने रिसेंटली देखा होगा जो एप्पल है वो अपने ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर काफी जो है वोकल है, अपने फोन में जो है चार्जर सप्लाई करने बंद कर दिए हैं कि प्लास्टिक को कम किया जाए, उस तरह की जो है फालतू की चीजें हैं, ये मार्केटिंग का सौदा है। ये बिल्कुल भी जो है वेग जो चीज है जो एप्पल ने करी है, जो कंपनीज कर रही है चार्जर ना सप्लाई करके उसको इंडिविजुअली जो है बेच रही है, और ये चीजें जो है उस तरह की एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग में आ जाती है आपकी। कंपनीज फायदा उठा रही है, गलत फायदा उठा रही है एनवायरमेंट के नाम पर, वो थोड़ा बुरा लगता है देखकर, बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ जो है आप उसके ऊपर, इतनी बड़ी कंपनी आप उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन नहीं कर सकते, कर भी देंगे तो वो इस तरह के जो है एक्सक्यूजेज, इस तरह के जो है वैलिड रीजन आपके आगे रख देंगे कि आप जो है खुद ही जो है अपना केस वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वही चीजें आजकल हो रही है, आप क्या कर सकते हैं। एनवायरमेंट मीन्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वॉल्विंग वाटर, एयर, लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एज वेल एज देयर रिलेशनशिप विद ऑल द लिविंग क्रिएचर। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ते हैं मॉरलिटी के लिए, एथिकलिटी के लिए, लेकिन ये एक्चुअल जब आप रियलिस्टिकली आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एंटायरली कुछ और ही पिक्चर चल रही होती है, बट हमारे सिलेबस में तो हम इसको जरा पढ़ेंगे। बायोडायवर्सिटी एंड साइंस, सोशल इश्यूज रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, नेचुरल वेल्थ, पोल्यूशन एंड इट्स प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। ये हमारा जो है अपना एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग में किया जाता है। इट कैन बी सीन दैट ह्यूमन बींग हैज क्रिएटेड सो मेनी डिस्टर्बेंसेज नाउ ए डेज इन नेचुरल सिस्टम रिजल्टिंग इन टू पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। इट कैन बी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कुछ एक्ट्स पास किए गए हैं जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इस तरह के जो है एयर रूल है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपका जरूरी है। तो हैजार्डस वेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ हैंडलिंग अमेंडमेंट, इस तरह की जोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट होता, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो की गई हैं। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कि किस तरह से जो है जैसे फैक्ट्रीज हैं वो वाटर बॉडीज के अंदर अपने रेजिड्यूज जो है वो बाहर देते हैं, तो उस तरह की चीजें हैं वो सब यहाँ पर। द प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन विद, तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर से आप देखेंगे उस चिमनीज के अंदर से धुआं निकल रहा है, तो ऑब्वियसली वो पोल्यूशन कर रही है किसी ना किसी तरीके से, तो उस पोल्यूशन को जो है वो कर दिया, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको रोक तो सकते नहीं है, आग जलाएंगे, आग जलाएंगे तो धुआं भी उठेगा। तो वही बात है, अब आदमी जो है मान लीजिए कोई गरीब इंसान है जो अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स को इस्तेमाल करता है कि भाई आग लकड़ी जलाकर जो है वो रोटी बनाएगा, तो अब वही बात है आप उससे उसका रोटी नहीं छीन सकते, वो खाएगा, उसके पास सिलेंडर लेने के पैसे नहीं है ऑब्वियसली, अगर होते तो वो सिलेंडर पर ही खाना बना रहा होता। तो उस तरह की चीजें हैं। सिमिलरली एक कंपनी भी है वो चिमनी है अगर लगा रही है, जैसे मान लीजिए ईंट बनाने की जो एक जिसको बोलते हैं एक फैक्ट्री है, मान लीजिए वो फैक्ट्री ईंट बना रही है, तो ईंट बनाएगी तो यार धुआं होगा ही, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, और ईंट बनाने की प्रोडक्शन को नहीं रोक सकते हैं, आप ईंट बनाना बंद कर देंगे तो आप बिल्डिंग्स कैसे बनाएंगे, वही चीजें हैं। तो वो बनाना एक तरह से ऑब्लिगेशन हो जाता है, तो धुआं तो प्रोड्यूस होगा, बट हमें ये देखना है कि हम उस धुएं को के लिए जो है उसको रोकने के लिए जो है क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या हम जो है हम पहले कोल पर प्रोड्यूस करते थे, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी पर धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस की जाती है। तो वही है यहाँ पर, द प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन विद नेचुरल एनवायरमेंट। तो मैंने जो है चिमनी से इतना पोल्यूशन जो है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल किया है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जो है कुछ अपने आसपास के जो एरिया है, अपने अपनी फैक्ट्री से 1 किलोमीटर के जो है एरिया में ग्रीन बेल्ट भी कंस्ट्रक्ट करवा दिया, ताकि वो पोल्यूशन जो है वो जो निकल रहा है उसको जो मैं रोक नहीं सकता, वो पोल्यूशन जो है शहर जाने से पहले जो है वो पेड़ जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, और उसके जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर ले और ऑक्सीजन जो है आपको प्रोवाइड कर दे। तो एक ग्रीन बेल्ट बनवा दी मैंने अपने फैक्ट्री के आसपास, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं वो की जाती हैं। इट मस्ट प्रोवाइड एक्चुअल एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट, वही चीज है कि मैंने बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए कि मैंने इस साल जो है इतने जो है किलो अपना कार्बन जो है वो प्रोड्यूस किया है, और इतने जो है मैंने पेड़ लगाए हैं, या इतनी जो है मेरी पेड़ लगाने की कॉस्ट आई है, मैंने पार्क बना दिए, उस तरह की चीजें जो है, या मैंने एजुकेशन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी है, या मैंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, उस तरह की जो भी चीजें हैं वो करना। ओनली मटेरियल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। इट मस्ट बी टू द पॉइंट एंड फ्लॉलेस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट मस्ट बी शोन इंडिपेंडेंटली। There must not be any biasness while selecting the information. It must contain complete information. The information must be careful. तो वही चीजें हैं बार बार जो है बताई जा रही हैं। इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, फ्लॉलेस होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो अलग अलग दिखाई, साफ साफ दिखाई देने चाहिए कि
ये मेरी जो है पेड़ लगाने की कॉस्ट आई है और ये जो है उससे बेनिफिट मेरे को है, मॉनेटरी टर्म्स में रिसीव हुआ है, तो वही चीजें हैं यहाँ पर बताइए। एडवांटेज है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट हेल्प टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस और टू इट्स शेयर होल्डर रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेंशन एंड रिक्रूटमेंट। तो कॉर्पोरेट जो CSR जो है आपकी उस तरह की एक्टिविटीज है कि आप सोसाइटी के लिए जो है क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोसाइटी में रहकर ही जो है अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सोसाइटी है जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है, तो उस तरह की सारी चीजें जो है वो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं कि अगर आप सोसाइटी से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सोसाइटी को किसी ना किसी तरह का रिटर्न प्रोवाइड करें, चाहे आप उनके लिए पार्क्स बनाएं, चाहे आप उनके लिए ग्रीन बेल्ट बनवाएं, चाहे उनके लिए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करें या उसमें डोनेशन दे दीजिए, या आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, या आप जो है किसी गवर्नमेंट पार्टी के साथ मिलकर फ्री फूड प्रोवाइड कर दीजिए, इस तरह की चीजें जो है आप CSR एक्टिविटीज में कर सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिपोर्ट। तो कंपनी की एनवायरमेंटल रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो CEO का क्या रोल है, द CEO मस्ट एंश्योर दैट द रिपोर्ट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। कंपनी सेक्रेटरी जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वैसे ही अपने कंपनी सेक्रेटरी होते हैं जो अपने लीगल कंप्लायंसेस को हमारे संभालते हैं, जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, उसकी प्रमोशन है, उस तरह के जो भी लीगैलिटी में जो है रजिस्ट्रार से रिलेटेड जो काम होते हैं वो हमारे कंपनी सेक्रेटरी भाई लोग संभालते हैं। एनवायरमेंटल स्टाफ हो गया कि जो एनवायर प्रॉपरली आजकल जो है कंपनीज में आप देखेंगे जैसे एप्पल में है, गूगल में है, प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, जो कंपनीज को रेगुलरली फीड देता है कि भाई हमने ये जो है प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं एनवायरमेंट के अवेयरनेस को लेकर, और उनसे ये जो है हमको बेनिफिट रिसीव हुआ है और उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमको कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है। एम्प्लॉयज हो गए कि भाई एम्प्लॉयज को किस तरह से डाटा जो है वो मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ऑडिटर्स एंड वेरीफायर्स, ऑडिटर्स हैं, इंटरनल ऑडिटर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि भाई वो डाटा को जो है प्रॉपरली वेरीफाई करें और उसके अंदर अगर कोई बायस का चांस है या कोई मिसमैच है या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है तो उसको प्रॉपरली जो है चेक करें और उसको वेरीफाई करके उसको ठीक करें। एनजीओ जो है अपने गवर्नमेंट जो है क्या बोलते हैं इनको एनजीओ को, दे मे बी डायरेक्टली एग्जाजरेटेड, तो एनजीओ जो है हमारे बहुत हेल्प करते हैं इन चीजों में आपकी कॉज को किसी तरह स्प्रेड करने के लिए, जैसे ह्यूमन राइट्स एनजीओ हैं, आपके एजुकेशनल एनजीओ हैं, आपके डिसेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे एनजीओ हैं, तो उस तरह की चीजें जो है वो ये कर लेते हैं। ये आपके एनेक्सर्स हैं कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एसेट एंड लायबिलिटी, कैश इन ट्रस्ट फंड की मैंने किसी ट्रस्ट को कितना दे दिया, इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट फंड एंड एमिशन राइट्स हेल्ड की, जो वही मैंने बताया आपको एक फैक्ट्री है वो जो है चिमनी से जो कितना कार्बन प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए आपको एक एमिशन लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनका जो अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर जो एमिशन की लिस्ट दे रखी है, रूल्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप जो है एमिशन कर सकते हैं, और राइट्स की वैल्यू कितनी है, तो उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है। इन्वेस्टमेंट इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का पानी सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो है आजकल जो है रूल्स बन चुके हैं कि आरओ का पानी होना चाहिए और उसका पीएच लेवल इतना होना चाहिए, डिस्टिल्ड होना चाहिए तो पीएच कितना होना चाहिए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पर फ्लोर एटलीस्ट 2 जो है एयर फिल्टर्स लगे होने चाहिए, उस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई है। दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे तो आप जरूर देखेंगे, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट में या एक फिल्टर जो है एयर फिल्टर्स लगे होते हैं आपके फ्लोर के ऊपर, 2 या 3 एयर फिल्टर्स लगे होते हैं जो आपका इंश्योर करते हैं कि आपकी जो वातावरण है जो उस फ्लोर का है, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है जैसे ये कमरा है तो ये एक सफोकेटेड जो है एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इसके अंदर जो है वेंटिलेशन के स्कोप काफी कम होते हैं, आप आर्टिफिशियल वेंटिलेशन अपने डेवलप कर सकते हैं एयर कंडीशन के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एयर की जो क्वालिटी है उतनी जो है एक नेचुरल वेंटिलेशन के मुकाबले कम रह जाती है, तो उसके लिए जो है अपने एयर फिल्टर्स लगाए जाते हैं ताकि जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो वेंटिलेशन के बाद भी जो है थोड़ी न्यूट्रलाइज हुई रहे, जो थोड़ी स्टेबिलिटी जो मेंटेन की जा सके। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन, कोई चीज जो है मान लीजिए बिल्डिंग है उसको रिस्टोर करवाया है, रिहेबिलिटेट करवाया है किसी, जैसे आप देखेंगे अभी अफगानिस्तान में जो चल रहा है तो वो रिहेबिलिटेशन जो है वो अपना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं इधर उधर तो उनको जो है कुछ कैंप्स जो है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट ने लगवाए हैं, कुछ अमेज़न ने लगवाए हैं, तो उस तरह की चीजें जो है वो की जा रही है। कुछ इंडिया का भी ऐसी बात नहीं है, इंडिया का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में, तो उस तरह की चीजें यहाँ पर की जाती हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वह बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपने जो किया उसके खर्चे जो है यहाँ पर लिख देंगे और आपका जो है एस्टिमेट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं CSR, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जो है मोरालिटी और जो एथिक्स जो है उसके हिसाब से भी आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए, तो एक CSR एक्टिविटी जो है वो बहुत आजकल इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो वो आज आइए जरा डिस्कस करते हैं। CSR रेफर्स टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज दैट एरिया ऑफ अकाउंटिंग रिसर्च विच स्टेट्स डिस्क्लोजर वॉलंटरी एंड मैंडेटरी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन पर्टेनिंग टू द इश्यूज एंड एस्पेक्ट इंपैक्टिंग द कम्युनिटी एट लार्ज एंड आर मच मोर देन जस्ट इकोनॉमिक इश्यूज। तो वही चीज है
आप कंपनी जो है वो एक सोसाइटी में रहकर ऑपरेट करती है, सोसाइटी की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, एम्प्लॉयज हैं वो सोसाइटी की रिसोर्स है, एरिया है, लैंड है वो सोसाइटी का रिसोर्स है, वाटर बॉडी है वो सोसाइटी की रिसोर्स है, इस तरह से हर चीज जो है जिस एनवायरमेंट में एक कॉरपोरेशन जो है ऑपरेट कर रही है वो आपकी सोसाइटी को ही बिलोंग करती है। तो आप सोसाइटी के लिए जो है क्या कर रहे हैं इन रिटर्न, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज जो है उससे काफी बड़ा है कि आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, उन चीज़ों से ये जो है ऊपर की बात है। तो उसमें ये चीज़ बताई गई है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है हमारा CSR जो है, इनफैक्ट जो CSR है मैंने सुना है कि वो इंडिया के अंदर ही इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट जो है नेशंस था जो CSR को अप्लाई करा था जिन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट में। तो 135 सेक्शन है, ये सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा, ये सेक्शन आपके NHGRF के एग्जाम में भी डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है कि CSR एक्टिविटीज जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो सेक्शन 135 जो है हमारा वो कंपनीज एक्ट 2013 का CSR से डील करता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़, तो तीन चीजें हैं इसके, नेट वर्थ हमारी कितनी होनी चाहिए 500 करोड़, नेट जो टर्नओवर है हमारा वो होना चाहिए 1000 करोड़, और जो प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट वो होना चाहिए 5 करोड़। तो आपको जो है आपके ऊपर CSR की जो एप्लीकेबिलिटी वो लग जाती है, तो आपको जो है 2% जो है कम से कम, कम से कम, ये कोई मैंडेट नहीं है, आप चाहे 10% करें चाहे 100% करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम जो है 2% तो होना ही होना चाहिए। वही चीजें यहाँ पर बताई गई, वेरियस टर्मिनोलॉजी, नेट प्रॉफिट में क्या आएगा वो बताया गया है, नेटवर्थ क्या होती है वो बताया गया है, टर्नओवर क्या होता है वो बताया गया है, क्योंकि यही तीन है, नेट प्रॉफिट मैंने बताया 5 करोड़ होना चाहिए, नेटवर्थ जो है आपकी 500 करोड़ होनी चाहिए, और टर्नओवर कितना होना चाहिए 1000 करोड़ होना चाहिए आपका। ये तीन चीजें अगर आपकी है जो है, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, तो आपका जो है 2% मिनिमम जो है आप कॉर्पोरेट कोज के लिए आप सेंक्शन करेंगे, और उसको जो है कॉर्पोरेट आप सोसाइटी के लिए जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ फुलफिलिंग कॉर्पोरेट, तो बेनिफिट क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तीनों क्राइटेरियाज मीट कर रही है और वो 2% नहीं अपना सेंक्शन करती है CSR के लिए, तो वो फिर लीगल कंप्लाइंसेस में फंस जाएगी, वो पेनल्टी पे करेगी, पे तो करना ही है, ये चीजें मैंडेटरी है, पे करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी और लग जाएंगी। तो उस तरह की अगर आप टाइमली पे कर रहे हो तो आप पेनल्टी से भी बच जाओगे और आपकी इमेज भी अच्छी हो जाएगी। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए उसकी, प्रमोट सेल्स एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, वही चीज है। अब देखिए आप जाएंगे कहीं पे, मान लीजिए मैं अपने शहर की बात करूं तो मैं देखता हूं कहीं पे सर्कुलर पार्क्स बने होते हैं, तो उस तरह की चीजें हैं, और उनके ऊपर बोर्ड लगा के अच्छे से लिखा जाता है कि भाई ये जो पार्क है ये बिल्ड एंड मेंटेन्ड बाय या डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय ABCD कंपनी जो है, उस तरह से लिखा जाता है। तो अच्छा है उसके लिए, जो है कंपनी की अपनी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, मैं नाम पढ़ूंगा और मेरे मेरे मन में जो है एक अच्छे विचार आएंगे उस कंपनी को लेकर कि देखिए इसने जो है हमारे लिए पार्क बना के दिया है। सिमिलरली कोई स्कूल है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो स्कूल्स में जो है अच्छी चीज है जो है, एक अच्छा ख्याल आता है कि देख के कि भाई देखिए ये जो है हमारी टाटा ने खोला है या रिलायंस ने खोला है, तो मेरी जो मन में है उस कंपनी को लेकर एक अच्छी इमेज बन जाती है कि देखिए सोसाइटी के लिए जो है कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। By doing so, a well-established business and its image help to get easy access to capital. वही है, जिस चीज को मैं ज्यादा नोटिस करूंगा, हम देखिए मेरे अगर मान लीजिए हर 10 कदम पे एक पार्क बना है और उसके ऊपर लिखा हुआ है डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय ABCD कंपनी, तो मेरे मन में जो है वो क्या ख्याल आएगा। अगर मेरे को पता है CSR जो है वो किन कंडीशन पे मैच करता है कि भाई प्रॉफिट 5 करोड़ होना चाहिए, टर्न ओवर 1000 करोड़ होना चाहिए, और जो है आपका नेटवर्थ 500 करोड़ होना चाहिए, तो मेरे मन में क्या ख्याल आएगा ये बंदा जो है, ये कंपनी जो है अगर इतनी CSR एक्टिविटी कर रही है, यानी कि ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल चल रही है और काफी लंबे टाइम से प्रॉफिटेबल चल रही है, तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। वही चीजें हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही बात है, किसी आप बैनर बार बार पढ़ेंगे तो ब्रांड रिकॉग्नाइज हो ही जाता है। उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ CSR एक्टिविटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है आप CSR जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस तरह जो है ग्रॉस अमाउंट मैंडेटरी टू बी एक्सपेंडेड ऑन सच एक्टिविटी, 2% एटलीस्ट जो था वो तो आएगा ही आएगा, और अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और एनी अदर पर्पज, तो ये है इन कैश कितना दिया, येट टू बी पेड कितना है और टोटल कितना है, डिटेल्स पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उस तरह से है, और चेंजेस इन प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर शुड बी। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है CSR है वो है इसका मीनिंग कि भाई CSR क्या होता है, उसका सेक्शन 135,
कौन से एक्ट में है कंपनीज एक्ट 2013 और जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितने परसेंट पे करना है। तो तीन रिक्वायरमेंट्स है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ और कितना करना है मिनिमम 2%। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजीज आप एक बार पढ़ लीजिएगा जो है उस नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, नेटवर्थ भी आपको पता है क्या होता है और टर्नओवर भी पता है आपको क्या होता है और बेनिफिट्स क्या है उसके लिए पढ़ लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये वाली स्लाइड है, इसके अलावा जो है ये चीजें जो है थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद ये कुछ एनेक्सर दिए हुए हैं कि भाई फॉर्मेट किस तरह होगा, तो ये है सीएसआर प्रोजेक्ट और आइडेंटिफाई। मान लीजिए कोई पार्क बनाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा पार्क है, सेक्टर इन विच द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज कवर्ड, तो मान लीजिए वो है कोई और सेक्टर जो मतलब जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इस तरह के सेक्टर जो है वो है। प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स लोकल एरिया की, भाई मैंने कंप्यूटर कोर्स करवा दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, उस तरह की चीजें हैं। या अकाउंटिंग कोर्स करवा दिया, जैसे गूगल जो है इंटर्नशिप करवाता रहता है, रिलायंस इंटर्नशिप करवाने लग गया है आजकल, इंफोसिस करवा रहा है काफी टाइम से गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो उस तरह की चीजें हैं। अमाउंट आउटले यानी कितना जो है मेरे पास 2% या मिनिमम 2% के हिसाब से अमाउंट है इन चीजों को करने के लिए। स्पेंड कितना किया है, कितना है मान लीजिए 100 रुपए है और मैंने स्पेंड कितना किया है 50, 800 जितना भी किया है। कुमुलेटिव एक्सपेंडिचर अप टू द रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि अब तक जितना जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जितना रिपोर्टिंग पीरियड है मान लीजिए 1 साल का है, 6 महीने का कितना भी है, अब तक मैं कितना खर्चा कर चुका हूँ और अमाउंट स्पेंड यानी कि अब तक कितना खर्च हो चुका है, वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये चीजें आ जाती हैं, ये SD है, साइन डिजिटली, साइन डिजिटली, साइन डिजिटली, इस तरह से जो है आपके डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा चीजें आजकल वो वेरीफाई की जाती हैं। उसके बाद आता है NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये जो है हम अभी जो है फटाफट से कवर कर देते हैं। और इसके बाद जो है आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो अपनी जो स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से पूरा हो जाएगा। और मैं आने वाले टाइम में जो है जैसे संडे है या कुछ इस तरह के आपका एग्जाम टाइम जब नजदीक आएगा तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार जो है आपके सामने ले आऊंगा PDF की फॉर्म में, ताकि आप उनसे जो है एनालाइज कर पाए कि आपके क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आते हैं, और उनको ही आप मद्देनजर रखते हुए इसी स्टडी मटेरियल से जो मैंने आपको गूगल ड्राइव पे लिंक पे जो है नीचे दिया हुआ है उसे आप जाके उसके कोरस्पॉन्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना स्टडी जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वही चीज जो है मैं चाहता हूँ आप करें। तो आप ये पढ़ते हैं NBFC और अपना जो ASFR का जो सब्जेक्ट है वो आज खत्म कर देते हैं। तो NBFC क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि बैंक्स नहीं है, जो कमर्शियल बैंक्स जो हमारे होते हैं जिनका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग का होता है कि भाई डिपॉजिट्स जो है लोगों से एक्सेप्ट करो और जो लोगों को पैसा चाहिए वो उनको उधार पे दे दो, तो वो जो फंक्शन है उस तरह के फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक्स करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लगभग लगभग बैंक्स के जो है कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन करते हैं, लेकिन उनको जो बैंक्स का प्रॉपर दर्जा है वो नहीं मिलता। तो RBI के ही अंडर आते हैं ये, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है उसी के अंडर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जहां पर जो है पैसे का लेन देन किया जाता है वो एक कंपनी। अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी एंड इन्वॉल्व्ड एंड इज इन्वॉल्व्ड and is involved in the principal business of receiving of deposit under any scheme or lending in any manner। तो वही बात है, banks की correspondingly ही काम करते हैं लेकिन banks का दर्जा जो है वो इनको नहीं मिला हुआ है। ये भी deposits accept करते हैं, ये भी पैसा उधार पे देते हैं, तो उसी तरह के function से करते हैं। any other non-banking institution or class of such institution which are specified by RBI, तो RBI इनको specify करता है। rules जो है NBFC को वो companies act के accordingly लगते हैं, जो ये है board declaration जो ये rules बताए गए हैं, SEBI का क्योंकि securities में भी ये deal करता है, banks जो है आपके securities में भी deal करते हैं, government बॉन्ड्स हो गए, आप म्यूचुअल फंड्स अगर आपको खरीदने हैं तो आप एक बैंक्स में जा सकते हैं, बैंक्स की स्कीम्स ले सकते हैं, SBI म्यूचुअल फंड्स हो गए, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो भी बैंक्स वगैरह करता है। तो जहां जितने जितनी फील्ड्स के अंदर जितनी जितनी सेक्टर्स के अंदर आप जो है इन्वॉल्व रहेंगे उतने उतने रूल्स आपके ऊपर उस सेक्टर के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। आप एक कंपनी है तो आपके कंपनीज एक्ट लग जाता है, आप कंपनी है और आप एक बैंक की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो RBI एक्ट लग जाता है, आप बैंक की तरह फंक्शन कर रहे हैं और सिर्फ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट और जो है वो ना करके लैंड ना करके आप सिक्योरिटीज में भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपके ऊपर SEBI के लॉज लग जाते हैं। तो उस तरह की चीजें हैं, RBI के लॉज तो है ही है। तो क्लासिफिकेशन की जाती है कि लायबिलिटी बेस्ड की जाएगी, आपके एसेट्स कितने हैं उसके बेस, और आपका जो साइज कितना है उसके बेस पे किया जाएगा। NBFC is having public deposit और NBFC D जो मतलब deposits के लिए यहाँ पर D use किया गया, और NBFC is not having public deposit यानी not having deposit यानी ND। तो दो तरह से हैं liabilities जो हैं, देखिए एक company के लिए liability आपका deposit amount होता है, आपके लिए आपका deposit asset होगा कि भाई मेरा पैसा जो है bank के पास जमा है और उसके ऊपर interest मिल रहा है, लेकिन एक bank के लिए आपका पैसा
जो आप वहां पर डिपॉजिट करवा के जाते हैं वो लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो पैसा बैंक को आपको लौटाना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और सिमिलरली आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपके लिए बैंक का लोन जो है वो लाइबिलिटी हो जाता है, लेकिन बैंक के लिए वो लोन जो है वो एक एसेट हो जाता है कि बैंक का पैसा आपके पास जमा है और आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बैंक जो है एक इंडिविजुअल से एंटायरली ऑपोजिट वे में फंक्शन करता है। उसके बाद आते हैं एसेट बेस्ड, कि भाई एसेट अगर जो है एनबीएफसी के पास कितने हैं तो वो चीज है। एसेट फाइनेंस कंपनी, अगर एक एनबीएफसी है जो एसेट्स फाइनेंस करती है, यानी आपको एसेट खरीदना है तो वो एसेट्स आपको जो है बाय आउट करके देंगी, या आपको एसेट जो है मान लीजिए घर बनाना है तो होम लोन के लिए स्पेसिफिकली अगर कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ होम लोन ही प्रोवाइड करता है तो वो एसेट फाइनेंस कंपनी होगी, कि आपके एसेट जो है आपके कैपिटल एसेट्स जो है उसको फाइनेंस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए आपको जो है ब्रिज बनाना है, एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बड़े लेवल पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स हो जाते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, कि छोटे लेवल के जो लोन्स हैं जो आपके एमएसएमईज को चाहिए होते हैं, जो एक दुकानदार है या एक वन पर्सन कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, उस तरह की जो है एक पार्टनरशिप फर्म है जो छोटे लेवल पर जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको जो है माइक्रो फाइनेंस के लिए जो इंस्टीट्यूशन बने होते हैं। उसके बाद आते हैं, आपने देखा होगा ई स्मॉल फाइनेंस बैंक करके है, उस तरह से जो चीजें हैं वो भी आती हैं इसके अंदर। उसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, की भाई वही चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती हैं, फैक्टर हो गया, लोन हो गया, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होगी। उसके बाद आता है साइज की कंपनी, भाई एनबीएफसी है उसका साइज कितना बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी एनबीएफसी है, बहुत छोटी छोटी भी है, तो उस तरह से आ जाता है। एसेट 100 करोड़ है उससे ज्यादा है तो एनबीएफसी इस तरह से आ जाता है, कि भाई वो बड़ी मानी जाएंगी, तो उस तरह की चीजें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपका एनबीएफसी का टॉपिक भी जो है एक उसमें समराइज फॉर्म में यहाँ पर पूरा हो चुका है, आपके सिलेबस में इससे ज्यादा एनबीएफसी में नहीं दिया गया है। तो ये 2 नंबर का मार्क्स अगर आता है तो आप उसको आसानी से यहाँ पर डिफाइन करके आ सकते हैं। एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, कंपनीज एक्ट के रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होते हैं क्योंकि वो एक कंपनी होती है, सेबी के रूल्स अप्लाई होते हैं कि अगर वो सिक्योरिटीज में डील करती है, आरबीआई जो है वो आरबीआई के अंडर तो आती ही है क्योंकि वो एक बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलती रहती है, आरबीआई के ये लॉज है। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से की जाती है, लाइबिलिटी की बात करूं तो वो क्या डिपॉजिट लोगों से ले रही है या नहीं ले रही, अगर ले रही है तो वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आ जाती है, और अगर वो नहीं ले रही तो वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आ जाती है। फिर एसेट बेस्ड है, कि वो किस तरह के एसेट्स के अंदर जो है लेंडिंग का फंक्शन कर रही है, वो चीजें आ जाती हैं, कि अगर कैपिटल एसेट्स को फाइनेंस करना है तो वो जो एसेट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, उस तरह से जो चीजें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद साइज बेस्ड आ जाती हैं, कि साइज कितना है, मान लीजिए डिपॉजिट टेकिंग है तो 100 करोड़ वगैरह, इस तरह की चीजें जो है आप डिफाइन करके आ सकते हैं। तो स्टेबुलेटेड फॉर्म में ही अगर आप अपना एग्जाम जो है अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन के ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कंटेंट चाहे कितना ही लिखिए, आप 36 शीट भरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 36 शीट भरिए, एक परसेप्शन रहेगी, हाँ भाई ये जो है इस बच्चे को जो है आप मान लीजिए 80 में से 50-55 मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे अगर आप 36 की 36 शीट भरते हैं। लेकिन अगर आपकी उस 36 शीट्स के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप इस तरह से टेबल्स बनाकर अपनी चीजों को समझा कर आ रहे हैं, अगर नहीं भी आता तो आप जस्ट सिंपली उन पॉइंट्स को जो है एक एक इस तरह से बबल्स बनाकर लिख सकते हैं, कुछ भी करके आप जो है उसको रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी अच्छी से अच्छी होगी, तो आप वहीं 50-55 के अलावा 60-65 जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसी एग्जाम में उसी कंटेंट के साथ। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा। आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो आज पूरा होता है, मैं कोशिश करूंगा इसके पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको एक बार जो है एनालाइज करके बता दूं, कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, वो हम आने वाले जो आपके एग्जाम टाइम है उसके अंदर जो है उससे पहले एक बार जरूर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपकी जो है एग्जाम्स को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सके। और क्योंकि ये सब्जेक्ट खत्म हो गया है और मेरे पास मॉर्निंग स्लॉट अब खाली है, तो मैं कोशिश करूंगा आपका कोई और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है एक बार स्टार्ट कर लिया जाए। आपका जो दोपहर का सेशन है 3 बजे, उसके अंदर अभी स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा है और शाम के सेशन में आपका कंप्यूटर ही चलता रहेगा। तो आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो एमकॉम से रिलेटेड है, आने वाले टाइम में एमकॉम करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।